हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे एक क्विक मेथड में फ्लोरिंग कैसे डालते हैं। बहुत लोगों का सवाल था आर्किटेक्ट्स और इंजीनियर्स का कि बहुत बड़े बड़े प्लान होते हैं, उसमें हमें बहुत ही फास्ट वे में प्रेजेंटेशन भी देना होता है और फ्लोरिंग भी ऐड करनी होती है, और ये काफ़ी मतलब टाइम कंज्यूमिंग होता है अगर हम पॉली लाइन यूज़ करें और अगर लाइन यूज़ करके ऐड करें। बेसिकली लोग ऐसा ऑफसेट लेके और डिस्टेंस देके ऐड करते हैं। जैसे मुझे 60x60 की ऐड करना, तो मैं 1x1 ऐसा सिलेक्ट करके करूँगा। तो ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग मेथड होता है, तो मैं आपको बहुत ही क्विक वे बता देता हूँ कि कैसे ऐड करते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो बेसिकली क्या करना है हमको, पहले हमको एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, फर्स्ट पॉइंट एंड सेकेंड पॉइंट। अब हम हैच कमांड लेंगे, अब इसको हम एडिट करेंगे, हैच एडिट। कलर में वाइट ले लेते हैं, यूजर डिफाइन। आप यहाँ पे टाइप में जाएंगे और यहाँ से यूजर डिफाइन सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे स्पेसिंग जैसे आपको चाहिए 60x60 की टाइल ऐड करना, तो हम यहाँ पे 600 दे देंगे क्योंकि ड्राइंग में हमारी mm में, और यहाँ पे डबल पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे प्रीव्यू पहले देख लेते हैं कैसा है। तो प्रीव्यू अच्छा नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक स्मॉल पीस से आ रहा है और यहाँ पे भी स्मॉल पीस आ रहा है। तो हम फिर से यहाँ से एक ऑप्शन है क्लिक टू सेट न्यू ओरिजिन, तो जहाँ पे आप क्लिक करोगे वहाँ से टाइल का पॉइंट स्टार्ट होगा। तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ, और जैसे ही मैं प्रीव्यू पे क्लिक करूँगा तो देख सकते हो ये इसका पोजीशन चेंज हो गया। अब ये जो मेरी टाइल है ये कॉर्नर से स्टार्ट हो रही है और ये इस कॉर्नर पे एंड हो रही है। फिर से मैं एंटर करूँगा और मुझे अब टाइल का साइज चेंज करना है, मुझे चाहिए ये 800 की, और मैं प्रीव्यू देख लेता हूँ और ये थोड़ा सा बेटर है, तो मैं एंटर कर लेता हूँ और ओके। ये आपकी टाइल सेट हो गई है। अब इसमें आप कलरिंग भी कर सकते हैं और आप बैक स्टार्ट पॉइंट भी मेंशन कर सकते हैं। अब इसमें कलर करने के लिए भी मैं एक आपको मेथड बता देता हूँ। आप हैच एडिट पे जाओ, सिलेक्ट कलर, मुझे चाहिए थोड़ा सा लाइट कलर, ब्लू कलर में जाऊंगा और अब जाएंगे उसकी प्रॉपर्टीज में, प्रॉपर्टी में अब जाएंगे तो इसमें एक पैटर्न ऑप्शन रहेगा, पैटर्न में बैकग्राउंड ऑप्शन आएगा, वहाँ से आप सिलेक्ट पे जाओगे तो वहाँ से आप इसका लाइट कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ब्राइट हो गया, तो हम उसको थोड़ा सा लाइट कलर, थोड़ा सा हल्का लाइट कलर लेंगे। एंड देन उस पे ओके पे क्लिक करेंगे। आई होप दोस्तों आपको ये मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आप मेरे काम को पसंद करते हैं तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।